नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैकेनिकल गुरुकुल पे। आज हम स्टडी करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि नेमिंग कैसे की जाती है रेफ्रिजरेंट की। ठीक है, तो इसमें दो तीन केस है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड वो होता है जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन एंड कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हमने। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड। तो अगर केमिकल फॉर्मूला ये है CmHnFpCl³, तो उसका नाम हम ऐसे देंगे Rm-1, N+1 and P। ये तीनों अलग अलग डिजिट है, एक डिजिट नहीं है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना आपस में। M-1 से एक डिजिट आएगी अलग लिखेंगे इसको, N+1 से एक डिजिट आएगी उसको अलग लिखेंगे, और P एक अलग डिजिट आएगी उसको अलग लिखेंगे। Where N+P+Q=2M+2। ठीक है, जहां पर N+P+Q क्या होगा? 2M+2। तो चलो इसका यूज करके देखते हैं हम। चलो सबसे पहले सपोज करो CCl2F2, ये है हमारे पास। ठीक है, C इसको ऐसे लिख ले CF2Cl2, ये है CF2Cl2, ये है। तो इसको किसके साथ कंपेयर करना है? CmHnFpCl³ इसके साथ लिख लेते हैं, और इन दोनों को क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे, देखो कार्बन कितने हैं? 1 है, C1 लिख सकते हैं यहां पर, तो कुछ नहीं होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो M की वैल्यू कितनी है? 1। H यहां पर नहीं है, तो N की वैल्यू है 0। F की जगह यहां पर 2 है, नीचे यहां पर P है, तो P की जगह क्या आ जाएगा? P कितना है? 2 है। और Cl के साथ Q=2, ये हो गया बस सिंपल। उसके बाद क्या करना है? इसमें लिखना है, यहां पर लिखना है Rm-1। M की जगह कितना है? 1-1। N कितना है? 0। N+1, 0+1। और P की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, तो यह R 1-1, 0, 0-1 कितना हो जाएगा? जीरो प्लस एन प्लस वन था ना, ये 1 हो जाएगा, और ये 2। R012 और R12 भी लिख सकते हो, यानी कि R12 ही होता है, ये होता है R12। फिर से बता देता हूं, ये नाम अगर है तो इसको पहले इसके साथ यहां पर ये फॉर्मूला लिख लो नीचे CmHnFpCl³, ये लिख लिया। इसको इसके साथ कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे तो M की वैल्यू, N की वैल्यू, P की वैल्यू, Q की वैल्यू यहां से निकाल दो और इस फॉर्मूले में रख दो। इस फॉर्मूले में रखने के बाद M-1 को अलग ही रखना है, N+1 को अलग रखना है, और P को अलग रखना है। तो ये हो जाएगा 0, ये 1 और ये 2। इसके साथ 0 आया, इसके साथ 1 आया, और इसका 2 आया। तो 012 या R12 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, R12 भी लिख सकते हैं। 0 आपको यहां पर, ये 0 इसको हम छोड़ सकते हैं। तो अगर देखो वैसे दो डिजिट कभी नहीं मिलेंगी यहां पर। R12 का मतलब यही है, R012, तीन डिजिट मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। जैसे R अगर आपको लिखा मिल जाए कहीं पे R22 और उसको आपको इसमें चेंज करना है, तो पहले क्या करोगे? R022 करोगे इसको। ठीक है, तो कोई नहीं, पहले इसी को देख लेते हैं हम क्या करेंगे। इनको हम, मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि हम यहां पर थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा हमारे पास। क्या था? CmHnFpCl³, एक तो ये था, दूसरा कैसे लिखते हैं नेमिंग, Rm-1, N+1, P, ये नेमिंग लिखते हैं, और N+P+Q=2M+2। चलो देखते हैं, मान लो सपोज करो आपके पास R22 है। अब R22 को, ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, R22 को मान लो इस फॉर्मूले में देखना है कि है क्या ये R22। तो पहले तो R को 022 ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R को 022 ये लिखेंगे। ठीक है, 0 एक डिजिट, ये 2 एक डिजिट, ये एक डिजिट, और हमारे पास, हमें पता है किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, Rm-1, N+1, P। ठीक है, तो M-1 की जगह क्या है यहां पर? ये M-1 है, और यहां पर क्या है? 0।
तो यहां कंपेयर करेंगे दोनों को फिर से, बहुत इजी है, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद m माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो के इक्वल, तो यानी कि m माइनस वन जीरो है, तो m कितना हुआ वन, दूसरा n प्लस वन, n प्लस वन की वैल्यू कितनी है टू है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू वन हो जाएगी क्योंकि ये माइनस वन हो जाएगा उधर जाके, जैसे p की वैल्यू डायरेक्टली लिखी हुई है टू, m n एंड p हमारे पास एक वैल्यू नहीं आई अभी भी q की वैल्यू, तो q की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, हमें क्या पता है n प्लस p प्लस q इज इक्वल टू टू एम प्लस टू, तो n की जगह कितना है वन वन, p की जगह टू, q हमारे पास नहीं है q की वैल्यू निकालनी है, m वन है, टू इंटू वन प्लस टू, तो ये कितना हुआ थ्री, ये कितना हुआ फोर, तो क्यू यहां पर थ्री प्लस क्यू इज इक्वल टू फोर, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी आई वन आई, क्यू की वैल्यू भी वन। अब रख देते हैं इसमें सी एम, एम 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 कितना है, देखो ये एम ये एन ये पी और ये क्यू, ये सारी वैल्यू रख देते हैं, अब इसमें पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, सी एम एच एन एफ पी सी एल क्यू, यहां पर लिख लेता हूं, लिख लेते हैं हम इसको, इसी में पुट कर देंगे, सी की एम, एम कहां पर है वही एम, ये रहा वन है तो वन ही आएगी, एच की वैल्यू एन की वैल्यू भी वन है, एफ के साथ पी आता है पी की वैल्यू टू है, और सी एल के साथ क्यू आता है क्यू की वैल्यू वन है, तो ये जो हुआ आपके पास ये सी एच एफ टू सी एच सी एल एफ टू, ये बना आपके पास, ये क्या होता है ये एक्चुअल में आर ट्वेंटी टू है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आर ट्वेंटी टू को हम कैसे लिखते हैं, फिर से बता देता हूं, आर ट्वेंटी टू को पहले जीरो टू टू ऐसे लिख लो, फिर ये वाला लिख लो आर एम माइनस वन एन प्लस वन पी, इन दोनों को कंपेयर करोगे एम माइनस वन की जगह जीरो है, एन प्लस वन की जगह टू है और पी की जगह भी टू है, तीनों को कंपेयर करो m n और p की वैल्यू निकली, और दूसरा फॉर्मूला है n plus p plus q is equal to 2m plus 2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो q की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, और इसमें पुट कर दोगे आपके पास केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा, इजी है, आई थिंक बहुत इजी है, चलो और एग्जांपल करके देख लेते हैं, n plus p plus q is equal to 2m plus 2. Okay. एक example ले लेते हैं R 11. ठीक है? R 11 ले लेते हैं. R 11 मतलब R 0, 1, 1. और किसके साथ compare करेंगे? R m minus 1, n plus 1 और p. m minus 1 की जगह क्या है? 0. m माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि m की वैल्यू वन आई, n प्लस वन की जगह एक एक वैल्यू को हम लिखते जाएंगे, n प्लस वन की जगह वन है, यानी कि n की वैल्यू ये वन उधर जाके माइनस का हो जाएगा जीरो हो जाएगी, यानी कि m की वैल्यू जीरो, ओके, और p की जगह डायरेक्टली लिखा हुआ है वन है, तीन वैल्यू आई उसमें पुट करेंगे, n की जगह जीरो, p की जगह वन, Q is equal to m की जगह 1 है, 2 into 1 plus 2, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 1 plus Q is equal to 4, यानी Q की वैल्यू 3, तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, C 1, H की जगह 0, n की वैल्यू साथ क्या है 0 है, F के साथ P लिखना है, P की वैल्यू 1 आई है, और CL की जगह, CL के साथ Q लिखना है, Q की वैल्यू 3 आई है, H के 0 मॉलिक्यूल है, इसको हटा देंगे, यानी कि CF CL3, ये आया R11 का फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इजी है, डायरेक्टली सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, कंपेयर करना, वैल्यूज पुट करनी है, बहुत इजी है। अब इसके बाद और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, फिर सपोज करो R113 है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 113, किसके साथ कंपेयर करेंगे, R m माइनस वन एन प्लस वन पी, देखो m माइनस वन की वैल्यू कितनी है वन, यहां पर ये वन है, ये m माइनस वन और यहां पर वन है, n प्लस वन कितना है वन है और p कितना है थ्री है,
एम माइनस वन वन होने का मतलब क्या हुई, एम की वैल्यू वन सॉरी टू आई, ये वन उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एन प्लस वन की वैल्यू वन है तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पी की वैल्यू थ्री है, ये तीन वैल्यू आई, इसमें पुट करेंगे चौथी वैल्यू आएगी। एन की जीरो, पी की वैल्यू थ्री प्लस क्यू इज इक्वल टू टू इंटू ये कितना है टू प्लस टू, ठीक है। थ्री प्लस क्यू इज इक्वल टू ये कितना हुआ, दो दूनी चार और टू इंटू टू फोर प्लस टू सिक्स, तो क्यू इज इक्वल टू थ्री। ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो सी एम की जगह टू, एच की जीरो है तो एच को लिखो ही मत, और एफ थ्री सी एल थ्री, ठीक है। सी एफ थ्री सी एल थ्री ये आएगा आर वन वन थ्री का फॉर्मूला, आर वन वन थ्री सी टू एफ सी टू एफ थ्री सी एल थ्री, ये आर वन वन टू आएगा। और देख लेते हैं अगर फिर भी कोई और प्रॉब्लम है तो, आर वन थ्री फोर जो आजकल रिसेंटली यूज हो रहा है, वन थ्री एंड फोर, वन थ्री फोर ए यूज हो रहा है, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा वन थ्री और वन थ्री फोर ए में क्या डिफरेंस है। इसको आर एम माइनस वन एन प्लस वन और पी इसके साथ कंपेयर करेंगे, एम माइनस वन इक्वल टू वन यानी कि एम की वैल्यू कितनी आई टू आई, एन प्लस वन की वैल्यू दे रखी है थ्री यानी कि एन की वैल्यू भी टू आई, और p की वैल्यू डायरेक्टली 4 है, ठीक है। ये 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 तीन वैल्यू हुई, q की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे n की जगह 2 प्लस p की जगह 4 प्लस q इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, ये 6 प्लस q इज इक्वल टू 6 यानी कि q की वैल्यू 0। और इसमें अगर पुट करते हैं तो c m की 2 h 2 और p किसके साथ है f 4 एंड cl 0 है, cl के साथ q की वैल्यू 0 है, तो c2 h2 f4 ये है r134 c2 h2 f4, ठीक है। अब सिंपल है, अब मैं आपको बताता हूं कि r134 एंड r134 a में क्या डिफरेंस है। देखो r 134 क्या आया, C2 H2 F4, देखो यहां पर C H H, ये तो होगा C2 C के दो H के दो, यहां पर F F ये F और F, ये हुआ R134, ये हुआ R134, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C H F2 and C H F2 C H F2 C H F2 ये भी लिख सकते हैं। और R 134 A जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, वो होता है एक्चुअली C F F F यहां पर C H H और F, यानी कि देखो इसमें तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है यानी कि एच एक यहां पर है एक यहां पे, इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें दोनों एच एक कार्बन के साथ है और एक एफ के एक सी के साथ, तीनों एफ है यानी कि सी एफ थ्री सी एच टू एफ, ये वाला फॉर्मूला है आर वन थ्री फोर ए का, ये रिसेंटली यूज हो रहा है आर वन थ्री फोर ए। आजकल ज्यादातर हर जगह आपको रेफ्रिजरेंट के रूप में ये आर वन थ्री फोर ए ही मिलेगा, अब कोई भी गाड़ी खोलते हो तो वहां पर भी लिखा होता है एक स्टिकर पे यूज ओनली आर वन थ्री फोर ए एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो ये आर वन थ्री फोर ए है, अब आगे आते हैं केस टू। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है तो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वैसे डबल बॉन्ड ही होता है, तो सी एम एच एन एफ पी सी एल क्यू ये सेम रहेगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आर
वन, फिर एम माइनस वन एन प्लस वन इंटू पी, ये एक डिजिट ज्यादा आ गई, वन यहां पर आ गया है, और एन प्लस पी प्लस क्यू जो होगा वो होगा टू एम के इक्वल, टू एम प्लस टू नहीं आएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, मेनली डबल बॉन्ड वाले ही होते हैं, तो ये वाला आएगा सिंपल। बाकी कुछ भी आप यूज कर सकते हो, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, सी टू एच टू एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी टू एच टू को इससे कंपेयर करोगे किससे, सी एम एच एन एफ पी सी एल क्यू, एम की वैल्यू टू, एन की वैल्यू टू, पी जीरो एंड क्यू भी जीरो, इसमें पुट करेंगे तो आर वन, एम की वैल्यू टू है, टू माइनस वन, एन प्लस वन करना है यानी कि टू प्लस वन, और पी लिखना है यहां पर जीरो, तो आर वन ये कितना हुआ वन, ये कितना हुआ थ्री जीरो, ठीक है, आर वन वन, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहां पर सी टू एच फोर आएगा क्योंकि सी टू एच टू हो ही नहीं सकता, सी टू एच टू ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड हम नहीं ले रहे हैं यहां पर ये डबल बॉन्ड है, तो सी टू एच फोर, तो एन की जगह यहां पर फोर आएगा, यहां पर कहां पर आएगा ये फोर आएगा, तो फोर प्लस वन ये फाइव हो जाएगा, सिंपल, वैसे ही सिंपल तरीका है, आप कैसे बहुत सारे रेफ्रिजरेंट उनको लिख सकते हो, तो सी टू एच फोर का मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है, ठीक है, इसी टाइप से आप और भी निकाल सकते हो, तो ये हो गए आपके अनसेचुरेटेड वाले भी आप कर सकते हो, इजी है। थर्ड केस थ्री, थ्री देखते हैं, थर्ड केस इसमें है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, अगर ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, तो उसके लिए सिंपल नेमिंग का तरीका है आर 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, क्या करेंगे आर 700 में मॉलिक्यूलर वेट ऐड कर देंगे तो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का नेम आ जाएगा, उसी हिसाब से उसकी नेमिंग करते हैं, वही नाम उसको देते हैं, जैसे चलो लिख लेते हैं चार पांच, मैं लिखवा ही देता हूं आपको कुछ कुछ थोड़े से, ठीक है, जैसे NH3 यहां पर मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं और यहां पर नेम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17 होता है, ठीक है, इसका 14 प्लस 3 17 होता है, तो 17 मॉलिक्यूलर वेट होगा, नेम कितना होगा 700 प्लस ये करना है, नेम क्या हो जाएगा आर के साथ, आर 700 प्लस 17 यानी कि आर 717, ये हो जाएगा NH3 का, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आर 717, NH3 होगा, H2O वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो इसको आर 718 लिखेंगे, फिर उसके बाद एयर का 29 होता है, एयर का मॉलिक्यूलर वेट 29 होता है, इसको लिखेंगे आर 729, CO2 का कितना होता है आई थिंक 44 का, हाँ ठीक सॉरी मैं देख लेता हूँ, यहाँ 44 है, 44, तो ये आर 744 SO2, SO2 के लिए 64 होता है, तो आर 764, तो इस टाइप से आएंगे, ठीक है, इस टाइप से डेजिग्नेशन आएगा, इस टाइप से नेम लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के भी, तो ये नेमिंग पे हो गया, नेमिंग मतलब आप ऑर्गेनिक के लिए कर सकते हो, ऑर्गेनिक में सैचुरेटेड के लिए अलग से और अनसैचुरेटेड के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है बस, सैचुरेटेड में देखो 3 डिजिट आई थी, अनसैचुरेटेड में 4 डिजिट आएंगे, ठीक है, तो अनसैचुरेटेड के लिए कर सकते हो और सैचुरेटेड के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए भी, इनऑर्गेनिक में सिंपल करना है 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट करना है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेमिंग यहीं पे हो, यहीं तक है आपकी नेमिंग, यहां से आपको किसी भी रेफ्रिजरेंट का नाम आप पता कर सकते हो कौन सा रेफ्रिजरेंट है क्या है,
ठीक है, R134A लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है, R717 लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है, कौन सा रेफ्रिजरेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे नेम हो गए रेफ्रिजरेंट के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, आपको अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उसको कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम फिर से ना आए या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरा नंबर पूछ रहे हैं कि सर आपका नंबर क्या है, तो प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेल आईडी है mechanicalgurukul1300@gmail.com, ठीक है। और एक व्हाट्सएप नंबर मैं लेने वाला हूँ कुछ दिन में, एक थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही, तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू, और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।